इटालियन होलसेलर। होलसेलर एक ऐसा हमारा मीडियोकर है जो कि मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच में लिंक बनाता है। मैन्युफैक्चरर से काफ़ी भारी मात्रा में माल को खरीदना और उसको छोटी छोटी मात्रा में रिटेलर तक पहुंचाना, जो इस प्रकार का काम करता है उस मिडल मैन को हम होलसेलर कहते हैं। तो हमारी पहली फीचर्स इसकी यही है कि ही इज द लिंकर बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। ही इज द पर्सन हु परचेज इन द ब्लंक गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर से काफ़ी भारी मात्रा में लार्ज स्केल पर माल को खरीदना, जितना भी प्रोडक्शन कर सकता है मैन्युफैक्चरर। कई बार तो हमारे होलसेलर कहते हैं कि सारा ही माल हमारा, आप बस प्रोडक्शन बनाते जाओ और जितना आपका प्रोडक्शन बने वो हमारे पास भेज दो, और फिर उसकी छोटी छोटी मात्रा करके हर जगह के रिटेलर के पास पहुंचाना, उसको हम होलसेलर कहते हैं। He helps both manufacturers और retailers. Financially help दोनों को पहुंचाता है। होलसेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरर को एडवांस में पैसे देता है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मशीन परचेज करने के लिए, मैन पावर्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और जब प्रोडक्शन तैयार होकर उसके पास हो जाता है फिर होलसेलर के पास वो भेजता है। ऐसे ही रिटेलर्स को वो माल देता है क्रेडिट पर कि आप सेल करो, सेल करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब हमें दे देना। तो इस प्रकार से फाइनेंशियली तौर पर ये मैन्युफैक्चरर की भी हेल्प करता है और रिटेलर की भी हेल्प करता है। इसी कारण से एक होलसेल का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कैपिटल बहुत लार्ज स्केल में है। तो इसको कैपिटल की बहुत भारी मात्रा में जरूरत होती है, वही व्यक्ति होलसेल का काम कर सकता है जिनके पास काफ़ी भारी मात्रा में कैपिटल है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नो नीड ऑफ डेकोरेटेड शॉप। इन व्यापारियों की जो दुकानें होती हैं वो ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होती, मेन मार्केट के बीच में नहीं होती, एक गली मोहल्ले में छोटी सी दुकान होती है, एक ऑफिस टाइप होता है, वहाँ पर आराम से ये बेंच लगाकर या नीचे गद्दे बिछाकर बैठे होते हैं और तीन चार चेयर्स पड़ी होती हैं और पांच छह डिब्बों में उस गुड्स के जिसमें ये डील करते हैं उसके सैंपल रखे होते हैं। तो इनके तो रिटेलर्स उन सैंपल्स को देखते हैं, सैंपल्स को देखकर इनको ऑर्डर देते हैं और फिर ऑर्डर आने के बाद ये सारा माल गोदाम से सप्लाई करते हैं। तो इन्हें कोई सुंदर दुकान बनाने की, उसमें सुंदर फर्नीचर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अब मार्केट में एकदम कोई चीज अधिक मात्रा में आ जाती है और उसके खरीदने वाले कम हो तो उसकी प्राइस बहुत कम चली जाएगी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरर को बहुत नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में ये उस वस्तु को खरीद कर डिमांड क्रिएट करके उसकी प्राइस को अप करते हैं और अपने यहाँ स्टोर करते हैं। अब बाद में जब वो माल नहीं आता है तो उसकी प्राइस आसमान को छूने लग जाती है, तो ये स्टोर में से माल को निकाल कर उस प्राइस को डाउन लाते हैं। इस प्रकार से ये कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये हमारी प्राइस को बैलेंस बनाने में, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे होलसेलर।
स्टोर एंड वेयरहाउसिंग। अब जितना भी माल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है उनको डिफरेंट टाइप से अलग अलग स्टोर में टाइम के अनुसार अच्छे ढंग से रखना। तो इनके पास काफ़ी मात्रा में डिफरेंट टाइप के वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर माल को स्टोर किया जाता है और गंदगी से बचाया जाता है, दीमक वगैरह से, उसके लिए अलग वेयर हाउस होते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार खराब होते हैं, उनके लिए इनके पास अलग तरह से फ्रिज वगैरह लगा रखे होते हैं जिसे हम एसी पूरी तरह से वेयर हाउस कहते हैं। मेडिसिन के लिए अलग वेयर हाउस होते हैं। इसी प्रकार फलों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मेडिसिन के लिए अलग टाइप के वेयर हाउस होते हैं, कपड़ों के लिए अलग होते हैं। तो वहाँ पर ये माल को स्टोर करते हैं। इसकी कारण मैन्युफैक्चरर को किसी भी प्रकार का स्टोर नहीं करना पड़ता, रिटेलर को कभी भी स्टोर नहीं करना पड़ता। जैसे ही उसकी माल की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑर्डर दे देते हैं, होलसेलर तुरंत उनके पास पहुंचा देते हैं। इसी तरह से डील्स इन वन और टू गुड्स, होलसेलर मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक या दो चीज़ों में व्यापार करते हैं। अब जैसे चाय है, चाय की भी बहुत वैरायटी है, तो कई व्यापारी तो आपको केवल टाटा टी के ही होलसेलर मिलेंगे, कई गुडरिक टी के आपको मिलेंगे, कई ताज टी के मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो चाय और चीनी दोनों का होलसेल का व्यापार करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो चीज़ों में ये डील करते हैं, ज़्यादा चीज़ों में ये डील नहीं करते। तो ये है हमारे होलसेलर, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में काम करते हैं। इस पर आपने सुंदर नोट्स बनाना है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डेट्स इट।